बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सुपर एलिवेशन इन सिविल 3D। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट सुपर एलिवेशन बाय फार्मूला, तो ये वीडियो आप मेरे इस चैनल सिविल इंजीनियर रिप्लेट के नाम से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मज़ीद सिविल 3D से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज मज़ीद सीखते हैं अबाउट सुपर एलिवेशन। तो इस इमेज के थ्रू हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये रोड, इसमें -2% स्लोप डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल क्राउन। नॉर्मल क्राउन वो हिस्सा होता है जहाँ से सुपर एलिवेशन यानी स्टार्ट होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल क्राउन से यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस तरह नॉर्मल क्राउन, उसके बाद लेवल क्राउन, और उसके बाद रिवर्स क्राउन, उसके बाद पहुँचा फुल सुपर एलिवेशन। तो -2% ये हमारा नॉर्मल क्राउन, और नॉर्मल क्राउन से लेकर लेवल क्राउन तक जो पोर्शन है उसको रन आउट कहा जाता है। उसके बाद लेवल क्राउन, लेवल क्राउन ये एक साइड आप देख सकते हैं ये 0%, और इसका जो इनर साइड है वो -2% है, तो इसको लेवल क्राउन कहा जाता है। लेवल क्राउन से लेकर रिवर्स क्राउन तक जो पोर्शन है इसको रन ऑफ कहा जाता है, और रिवर्स क्राउन आप देख सकते हैं कि उसके आउटर एज पे +2% और इनर साइड पे भी -2%, फॉर एग्जांपल 2% 3% है, तो सेम आउटर एज पे और इनर एज पे दोनों पे आउटर एज पे प्लस होगा और इनर एज पे माइनस होगा, यानी +3% -3%। उसके नेक्स्ट जो फुल सुपर एलिवेशन है, यहाँ से रिवर्स क्राउन से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन वो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने 5% डिज़ाइन किया, तो 5% तक जब पहुँच जाता है तो ये हमारा फुल सुपर एलिवेशन यहाँ पर, यानी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लेकर राइट साइड पर भी आपको सेम प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पॉइंट, उसके नेक्स्ट जो है रिवर्स क्राउन, उसके बाद लेवल क्राउन, और नेक्स्ट भी नॉर्मल क्राउन, यहाँ से फिर शुरू हो जाता है। तो ये मज़ीद हम एक एलाइनमेंट ड्रा करेंगे एक सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर सुपर एलिवेशन ड्रा करेंगे। तो एलाइनमेंट ड्रा करने के लिए मेन रिबन बार में आप देख सकते हैं यहाँ पर एलाइनमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ से जाएंगे क्रिएट एलाइनमेंट क्रिएशन टूल, और यहाँ से कोई नाम देते हैं एलाइनमेंट का, फॉर एग्जांपल एलाइनमेंट 1। यहाँ से बेस क्राइटेरिया बेस डिज़ाइन, और यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद आते हैं ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आप ये टेंजेंट विद कर्व, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये कोई फर्जी वो लगाते हैं अलाइनमेंट, और इसमें यहाँ पर एक कर्व देते हैं, यहाँ से और यहाँ से स्केप करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलाइनमेंट ड्रा हो गया। तो इसके ऊपर सुपर एलिवेशन ड्रा करते हैं। सुपर एलिवेशन ड्रा करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे ये एलाइनमेंट, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर और मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर एलिवेशन, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 टैब नज़र
आते हैं फर्स्ट कैलकुलेट एडिट सुपर एलिवेशन, और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ और ओपन द सुपर एलिवेशन कर्व मैनेजर, तो इसको चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या शो करते हैं। और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कर्व्स के बारे में कि कितने कर्व्स है आपके पास। तो यहाँ पर कर्व वन में आप स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट जो है 100 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस जो है कर्व का वो 61.247 मीटर है, और डायरेक्शन जो कि डायरेक्शन ये आउटर राइट है। उसके बाद स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन और लेंथ, ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से हम तीन कर्व्स हमारे पास शो हो रहे हैं, तो नेक्स्ट पे भी पूरा डिटेल वो आपको शो करता है। कर्व 3 ऑटोमेटिक, और यहाँ से 100 किलोमीटर पर हावर रेडियस और राइट पोर्शन। तो इसमें आप कर्व के मुतालिक डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा दोबारा आते हैं इसी टैब पे, और यहाँ से कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड टाइप्स, यानी फॉर एग्जांपल कौन सा टाइप है आपका रोड, क्राउन है, अनडिवाइडेड प्लानर वन साइड स्लोप है, या डिवाइडेड प्लानर विद मीडियन, दोनों साइड पे जो है ना वो उसके सेंटर पे मीडियन होगा, जो कि अक्सर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये रोड होते हैं, और ये विलेज एरिया पहाड़ी इलाकों में ये वन साइड स्लोप, और ये जो है ये डिवाइडेड क्राउन अक्सर मोटरवेज और नेशनल हाईवेज में ये यूज़ होता है। तो जो आपका टाइप होगा वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लेंथ विड्थ जो है वो आपका कितना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 365 करता हूँ, और नॉर्मल जो लेन स्लोप है वो -2% है। नंबर ऑफ लेन आपके पास कितने हैं, तो मैं 1 ही छोड़ देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप जो है यहाँ से आप टेम्पलेट जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन स्लोप है, सुपर एलिवेशन है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ये -4% है, 6, 8, 10 और 12 तक, यानी जितना आपका ज़्यादा स्पीड होगा उतना आप ज़्यादा फॉर एग्जांपल एलिवेशन ज़्यादा देंगे उसको। फॉर एग्जांपल 100 है तो 8% करेंगे, अगर उससे कम है तो 6% करेंगे, यानी बाय स्पीड जो है वो जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपका सुपर एलिवेशन हाइट होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैक्सिमम 4%, और लेन जो है हमारे पास वो है 2। तो यहाँ से आप चेंजिंग भी करवा सकते हैं, यहाँ से आप ये मज़ीद इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं ये आस्टो का जो टेम्पलेट है, यहाँ से आप इसको भी चेंज करा सकते हैं। तो मैं सेम ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली रीसोल आवर लेब, तो यहाँ पर आप मैं उसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। जैसे हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पर ये सारा डिटेल जो है आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से ट्रांजिशन इन रीजन ये आपको यहाँ से शो करते हैं, यहाँ पर ये शोल्डर भी शो कर रहा है, रन आउट और इन नॉर्मल क्राउन, ये जिस स्टेशन से स्टार्ट हुआ है जिस पे लेवल क्राउन, यानी इस स्टेशन से जब ये लेवल क्राउन, उसके बाद रन ऑफ, लेवल क्राउन, रिवर्स क्राउन, पूरा डिटेल कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 सारा डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फुल सुपर एलिवेशन है वो 4% हमने डिज़ाइन पे छोड़ा हुआ है, तो 4% ही यहाँ पर शो करेगा। और इंड ऑफ फुल सुपर एलिवेशन वो भी 4%, यहाँ से आपको स्टेशन से स्टेशन तक ये फुल सुपर एलिवेशन आपको शो कर रहा है। तो इस तरह लेवल क्राउन नॉर्मल का पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से इस डेटे को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से ये आप देख सकते हैं CSV कोमा डिलिमिटेड में, और यहाँ से हम सेव करते हैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये पूरा डेटा हमारे एक्सेल में सेव हो गया है। यहाँ से इसको हम चेक कर सकते हैं, ये आ गया है पूरा जो डेटा एक्सेल में। तो इसको भी ओपन करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर एलिवेशन यहाँ पर ड्रा हो गया है, ये कर्व के ऊपर आप देख सकते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं उसको, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से जाते हैं एडिट अलाइनमेंट लेबल्स यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है सुपर एलिवेशन का, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ से ये क्रिटिकल पॉइंट शो करते हैं उस पर। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, यहाँ से अप्लाई और ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल क्राउन जो है यहाँ पर इस कर्व में आप देख सकते हैं, स्टार्ट पे आप देख सकते हैं -2% उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 0-0 यानी ये लेवल क्राउन है। वन साइड जो है उसका वो -2% है, वन साइड वो 0-0 है। उसके नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है रिवर्स क्राउन, ये +2% है और उसका जो इनर एज है वो -2% है। यहाँ से अभी ये जो 4% यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हमारा फुल सुपर एलिवेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ये +4% और इसका जो इनर एज है वो -4%, यानी यहाँ से ये मैक्सिमम सुपर एलिवेशन स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये जो शो कर रही ग्रीन लाइन ये आउटर एज है इस कर्व का, यानी राइट साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये +4% और -2% ये इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक ये फुल सुपर एलिवेशन है। उसके बाद फिर जो है वो आपका सेम प्रोसीजर यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर है उसी दूसरी साइड पे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मजीद इसमें दोबारा इसको क्लिक करते हैं और सुपर एलिवेशन यहाँ से, और ये क्रिएट सुपर एलिवेशन व्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं उसको, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि लेफ्ट आउटसाइड लेन, और जिसमें अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ अनचेक कर सकते हैं। अगर शो करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वो आप अनचेक कर सकते हैं। तो मैं ओके कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ से वो पूछ रहे कि कौन सी साइड पे, अक्सर यहाँ पर एक डिज़ाइन प्रोफाइल तो हमने इसमें नहीं बनाया, लेकिन ये डिज़ाइन प्रोफाइल के साथ ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर उसने व्यू में लगा दिया है।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस साइड पे आता है, डिटेल आपको शो करता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शोल्डर भी साथ में लगा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रन ऑफ रन आउट, इस स्टेशन से ये स्टेशन तक ये पोर्शन जो है ये रन ऑफ है, उसके बाद ये यहाँ से इस स्टेशन तक ये रन आउट कर रहा था, उसके बाद ये शोल्डर भी उसके साथ कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर आप